बाहर सवाला करने पर भी नहीं मिलता, यह नारायण सरोवर में उस मंगला मंत्र का जो मंदार विद्या कहा गया है उसको करने पर मिलता है। और कहा गया है कि यहाँ पीपल वृक्ष को जल चढ़ाने के बाद जो मनुष्य उस बगलाओं की मंदार विद्या का यंत्र को अपने हाथ में लेता है तो पितृऋण से तो मुक्त हो ही जाता है और दूसरे ऋणों से भी मुक्त होता है। जैसे हमारे पर कर्जा चढ़ा हुआ है, क्यों कर्जा चढ़ता है? धन का कर्जा हो, मैं पितृऋण हूँ, मातृऋण हूँ, गुरुऋण हूँ, ये ऋण अपने ऊपर रहने से हमारे कार्यों में बाधाएं आती रहती है। और यहाँ उस ऋण चुकाने का, कर्ज चुकाने का वो श्रेष्ठ साधन है जो इस विद्या को, जो इस साधन को यहाँ संपन्न करते हैं। अगर अपने आपके ऊपर पैसों का कर्ज है या और कुछ चल रहा है तो उस मंदार विद्या को करना, मैंने देखा है, मेरा अनुभव है कि मैं जब यहाँ पहली बार आया था मैंने इसी नारायण सरोवर में उस विद्या के साथ में, क्योंकि मैं जब तक अनुभव नहीं करता दूसरों को कहता हूँ। और मेरा अनुभव है कि जब मैंने यहाँ आकर वो साधना संपन्न की, मैं उस समय मेरे अपने आश्रम की जमीन के बारे में कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बारे में मेरे को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी और वो किस कर्जे के कारण हो रहा था, उसके लिए पैसा लेने पर कर्जा भी हो गया था। मैंने यहाँ जब आया और गुरु जी के कथनानुसार उस मंदार विद्या को जब किया तो मैं अपने आश्रम की जमीन भी छूटी, कर्जा भी बहुत बड़ा चुक गया। वैसे तो कार्य कर रहा हूँ तो कर्जा होना ही होना, लोग बेटियों की शादी के लिए और दूसरे शादियों के लिए अपने कार्य के लिए घर बांधने के लिए करते हैं, मैं केवल गुरु कार्य के लिए कर्जा कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से याद है कि प्रभु मेरे मेरा कर्जा जरूर मिटाएंगे, चाहे करोड़ों में भी हो उतना कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना सामर्थ्य रखता हूँ तो जरूर कुछ न कुछ होगा ही होगा।